अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको अचार गोश्त बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिस पे मैंने चिकन यूज़ किया है 200 ग्राम, 2 उधर टमाटर काटे हैं मैंने, ये हमारे पास अचार गोश्त का मसाला है, 1 कौली मैंने दही लिया है, 2 नींबू का रस लिया है और 4 मैंने सब्ज़ मिर्च यूज़ की है। सबसे पहले हमने अचार मसाला लेना है, हाफ टी 1 टीस्पून, इसको मैं लेमन के जूस के अंदर ऐड करूंगी इस तरह से। इसके बाद हम इसको, ये जो सब मिर्च हमने लिया है, थोड़ा सा मैं और यूज करूंगी। अब इस मसाले को हम सब मिर्च के अंदर फिलिंग कर देंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाह करके। ये देखिए, ये देखें जी, मिर्चों को हमने तैयार कर लिया है इसके अंदर, इसके लेमन के जूस को डाल के। अब मैंने ये चिकन है, इसको मैंने इस बॉल में ऐड करना है, बिस्मिल्लाह बरकत। ये देखें जी, इसके बाद हमने ये जो बचा हुआ जूस वाला मसाला है इसके अंदर ऐड करेंगे। यही जो हमारे पास 1 कौली है, इसको भी गोश्त के अंदर ऐड करेंगे। अचार गोश्त के मसाले का ऐड करेंगे हम। ये देखें जी, 1/2 टीस्पून मैंने रेड मिर्च लिया, 1/2 चम्मच मैंने नमक यूज किया है, हल्दी पाउडर, ये देखें जी ये लहसुन पाउडर है, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, हल्का सा मैं इसमें जर्दा कलर यूज करूंगी, जिससे कि कोरमे का कलर बहुत ही प्यारा होता है। ये देखें जी, इसको हम, चिकन है जल्दी गल जाता है, इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी दही के अंदर डिप हुआ हुआ। ज़्यादा लोग बाजारी मसाले यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने साबुत मसाले का इस्तेमाल किया है अचार गोश्त का। चलो जी, चूल्हे को हमने ऑन कर लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह बरकत, इतना सा। ये देखें जी, हमने कढ़ाई के अंदर 5 से 6 चम्मच ऑयल के यूज किए हैं। कटे हुए टमाटर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, इनको हमने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह बरकत, ये देखें जी हमारे टमाटर फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको ऑयल से अलग कर लूंगी, 1 कौली में निकाल लेंगे हम। ये देखें जी, टमाटर हमने निकाल लिए हैं। अब इसी घी के अंदर मैंने जो चिकन मैरिनेशन करने के लिए रखा हुआ था, उसको मैं फ्राई के अंदर ऐड करूंगी, बिस्मिल्लाह बरकत। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका लाइक करना, शेयर करना मेरे लिए प्यार और मोहब्बत होगा। चार से पांच चम्मच इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। ये दही की, ये देखिए जी, ये दही है, मसाले हमने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसी के अंदर हमारा अचार गोश्त तैयार होगा। 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर अप करके रख देना है। ये देखें जी, हमारे दही के अंदर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। बिस्मिल्लाह बरकत, ये देखें जी, दही ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
और बहुत मजे की खुशबू आ रही है हमारे अचार गोश से। ये देखिए जो टमाटर हमने फ्राई किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि जैसे जैसे ये पानी खुश्क हो उसी तरह हमारे टमाटर भी इसके अंदर मैनेज हो जाए, इनकी भी अच्छे तरीके से मजीद और भुनाई हो जाए। 10 मिनट के लिए इसको और मजीद पकने के लिए रखेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर अप किया है, मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको तैयार करना है। बिस्मिल्लाह जी बरकत। ये देखें जी हमारा अचार गोश्त बहुत ही प्यारी शक्ल में तैयार हो गया है। ये देखें जी और बहुत मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, बड़ा यमी सा लग रहा है। अब ये देखें ये जो मैंने सब्ज़ मिर्च में मसाला ऐड किया था ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको हम सिर्फ एक या दो मिनट के लिए इसको फ्लेम में कवर करेंगे ढक्कन के साथ, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बरकत। ये देखें जी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, अचार गोश्त हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जी इसको मैंने डिश आउट कर दिया है, अचार गोश्त हमारा बहुत ही प्यारा तैयार हो गया है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।